हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त लक्की सोनी। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक पुरानी स्मार्ट वॉच पड़ी हो जिसकी बैटरी हट गई हो या फिर उसका बैंड टूट गया हो तो आप और बैटरी हमारी स्मार्ट वॉच के ऊपर आएगी और इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे। तो पहले हम इसका मेज़रमेंट लेके और उस तरफ से होल कर लेंगे। तो हम इस बैटरी को नीचे वाले पे रखेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। इतना पार्ट हमारा काम का है सिर्फ और सिर्फ। देखिए, इस वॉच के सर्कल के हिसाब से मैंने उस पीवीसी पर मार्किंग कर दी है। हमें स्क्रीन से थोड़ा ऊपर घड़ी का पोर्शन भी ले लेना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इस टेप से ही मार्किंग कर ली है और ये एकदम परफेक्ट आया है। आप चाहे तो जो प्रकार आता है उससे कर सकते हैं। अब इसको हम इस जो ये 100 आती है इससे हम कट कर देंगे। पहले हम इसके सेंटर में होल कर लेते हैं, फिर इसकी ब्लेड निकाल के इसको होल में डाल के और हम इसे कट कर लेंगे। जब तक ये कट हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। तो दोस्तों, फाइनली ये सर्कल भी कट हो चुका है। अब इसकी भी हम फिनिशिंग कर देते हैं और आप देख सकते हैं ये वॉच हमारी प्रॉपर फिट हुई है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर की वायरिंग भी कर लेंगे। दोस्तों, इसमें दो पोर्ट होते हैं, एक पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। जो तीसरा होता है वो
वो भी ग्राउंड ही होता है, बट हम इसका भी वायर निकाल ही देंगे क्योंकि जो बैटरी में भी तीन पोर्ट होते हैं हमारे। तो देख सकते हैं मैंने तीनों में वायर अटैच कर दिए हैं। एक मेरे पास में पुरानी स्मार्ट वॉच की बैटरी का ये बाहर का पोर्शन पड़ा था, इसका यूज़ करके मैं इन वायर्स को इसके थ्रू पास कर लूँगा और इसे इसी स्लॉट में फिट कर दूँगा, जिससे हमारे वायर्स बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। तो देख सकते हैं अब हम इसके ऊपर इसका जो ढक्कन है उसे लगा देंगे, जिससे हमारे वायर भी सेफ रहे। स्विच के जो पॉइंट होगा हमारा, उसको आप वॉच की जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग करिएगा। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा, तो इसकी पोजीशन हम परफेक्टली सेट करेंगे और यहाँ पर हमारा इसका स्विच लगेगा। मेरे पास में ये होम थिएटर का एक बटन पड़ा हुआ था, तो इसका ही यूज़ करने वाला हूँ मैं। इसके जो एजेस है उसे कट कर दूँगा मैं और इसे छोटा बना लूँगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसको मैंने बिल्कुल छोटा कर लिया है और वॉच के लिए ये परफेक्टली वर्क भी कर रहा है। मैं चाहता तो इसका अलग से चार्जिंग पॉइंट भी बना देता, बट मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगा देंगे एक्सटर्नल में। अब इसे हम ग्लू गन से प्रॉपर तरीके से चिपका लेंगे। दोस्तों फेविक्विक का या क्विक जो ग्लू आते हैं उनका यूज़ मत कीजिएगा, इससे आपकी घड़ी की स्क्रीन ख़राब भी हो सकती है, तो इसीलिए मैं ग्लू गन ही रेकमेंड करूँगा। तो ये हमारा चिपक चुका है प्रॉपर तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, अब इसमें हम हमारी जो बैटरी है उसे अटैच करने वाले हैं। तो बैटरी इसके ऊपर ही आने वाली। Thank you.
तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हम इसके साइडों से इसे बंद करने के लिए ये जो शीट है इसमें से दो पीसेस काट लेंगे और उन्हें प्रॉपर एल्फी की सहायता से चिपका देंगे। दोस्तों सेफ्टी बरतिएगा जब आप एल्फी यूज़ करें। तो देखिए मैंने इसे पीछे से भी इसके ढक्कन लगा के इसे प्रॉपर कवर कर दिया है। दोस्तों इसमें ज़्यादा फेविक्विक मत डालिएगा क्योंकि कभी हमें इसे खोलने का काम पड़ सकता है, तो इसे हम हल्का सा ही फेविक्विक से रोकेंगे। तो देखिए दोस्तों फाइनल हम इसमें फेविक्विक लगा के इसे अब हम दोस्तों इसकी फिनिशिंग करेंगे। जो एजेस इसके बाहर निकले हुए थे उन सबको हम लेवल में लाकर एकदम इसका लास्ट फिनिशिंग टच देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा भी लगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चाहे तो इस पर कलर पेंट भी कर सकते हैं इसे गुड लुकिंग बनाने के लिए, लेकिन अभी हम इसे ऐसे ही रखने वाले हैं। दोस्तों इसका चार्जिंग सॉकेट भी काफ़ी अंदर है तो नॉर्मल चार्जर तो इसमें लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमने चार्जर भी अलग से बनाया है। मेरे पास एक पुराना कटा हुआ चार्जर पड़ा था तो मैंने उसके आगे के जो एक्स्ट्रा एजेस थे उसे काट दिए हैं और अब मैं इसे एक चार्जर में कनेक्ट कर दूंगा जिससे ये चार्जिंग भी हो जाएगा। तो देखिए इसे मैंने ऑन कर दिया है और देख सकते हैं आप ये प्रॉपर वर्क भी कर रहा है और इसको हाथ में पकड़ना कितना आसान और ये कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इसका टच कितना बढ़िया काम कर रहा है। ये एक सिंगल टच पे ही चल रहा है, हर एप्लीकेशन इसकी एक ही टच पे चल रही है और ये काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रही है हमारी वॉच। तो दोस्तों अगर आपके पास भी पड़ी हो तो आप भी ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं।